जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्शद कुरैशी है। दोस्तों, के जिम की ट्रेनिंग रूम में फिर हम मौजूद हैं। रेड लगाने हैं। मैं आपके सामने एक प्रैक्टिस कर रहा था। दो तीन दफ़ा मैंने एक शॉट खेली के कोशिश की हमने कि हम ब्लैक के पीछे से वाइट लेकर आए और एक दो तीन कुशन से लग के हमारा वाइट इस तरफ कहीं आ जाए। ये बेसिकली शॉट है क्या, मैं आपको बता दूँ। ये कॉन्टिन्यूएशन है हमारी ब्रेक बिल्डिंग एफर्ट की तरफ कि हम, होता ये है कि लड़कों के पास जब बॉल इन हैंड आ जाता है तो वो करते क्या है, वो ये करते हैं कि यहाँ पे बॉल रख के उसको स्लो सा पॉड करने की कोशिश करते हैं कि हम स्लो सा डाल लें और ब्लैक बना लें, जिसकी वजह से होता ये है कि अगर जो टेबल बहुत एडवांस है, अच्छा है, फिर तो ये शॉट अच्छी खेली जा सकती है। लेकिन मोस्टली क्लब्स में जो टेबल्स होते हैं वो हैवी नैप वाले होते हैं या थिकर क्लॉथ के होते हैं, उसमें आप ये रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि आप स्लो शॉट मारेंगे या तो ये वाइट हिल जाएगा अपने रस्ते से या फिर ये होगा कि आपका जो है वो रेड पॉट इतनी स्लो लगेगा उसका कि रेड डिविएट कर जाएगा। ये दोनों काम अगर ना हो और आपका रेड पॉट हो भी जाए, तीसरा आपने ये भी ख्याल रखना है कि वाइट आपका उठे उससे कुशन से लग के और फिर ब्लैक बने। तो इसका अल्टरनेट ऑप्शन जो प्रैक्टिस में अभी कर रहा था वो यही है कि आप उसको बेहतर है कि बजाय इसके क्या ये रिस्क लें स्लो शॉट खेलने की, क्योंकि स्लो शॉट खेलते हुए थोड़ा सा डर आदमी में आ जाता है और स्नूकर डर का नाम नहीं है। जो जितना ब्रेवली खेल सकता है वो उतना ही खेलेगा। और दिस इज अ गुड चांस कि यहाँ से आप खेलें शॉट, कोशिश करें इसके पीछे से लेकर आएं। बॉटम आपने देना है राइट हैंड साइड, अनइंटेंशन शायद आपकी हिट करें, कोशिश करें कि बॉटम के साथ ही लेकर आएं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि टेबल ज़्यादा स्लो है, थोड़ा हैवी है, कपड़ा इसका मोटा है, तो उस वक्त हल्की सी राइट हैंड साइड आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर करना है कि अगर ज़्यादा हुई तो ये भी हो सकता है कि आपका डीप स्क्रो राइट हैंड साइड की वजह से वहाँ लग के सीधा बॉल पॉकेट में भी पॉट हो सकता है। तो इस शॉट की आपने प्रैक्टिस करनी है, इसको दोनों साइड से प्रैक्टिस करनी है। ये कोई भी, जिस तरह मैं आपको बार बार बताता हूँ कि स्नूकर एक आसान खेल नहीं है, इसमें जो शख्स जो इंसान प्रैक्टिस कर सकता है, करना चाहता है, विलिंग है, वो ही आगे जा सकता है। जो प्रैक्टिस के लिए टाइम ही देना चाहता है और आगे सिर्फ गेमें खेलना चाहता है वो ये एक्सपेक्ट ना करे कि कोई मिरेकल होगा, उसकी गेम इम्प्रूव हो जाएगी। तो आप भी इसकी प्रैक्टिस करें और इसके हवाले से कोई सवालात हों, ये जो शॉट आपको मैंने बताई है, तो ज़रूर मुझसे पूछें। और मैं भी दो चार शॉट्स और मजीद इस पर खेलता हूँ, देखते हैं कि क्या सक्सेस रेट जाता है, कितनी शॉट्स खेलते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल मेरा शेयर करें, 4000 व्यूअर्स हो चुके हैं, मैं अगेन उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आपके कोई सवालात हों इसके हवाले से वो ज़रूर मुझसे पूछें, मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस, फेसबुक पे इनबॉक्स मैसेज आते रहते हैं जिनको मैं टाइम टू टाइम मैं उसको करता रहता हूं रिप्लाई। एंड आई होप, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होते हैं इसलिए सबको पॉसिबल नहीं होता, कुछ लोगों की कॉल्स मिस हो जाती हैं, जो कॉल्स मिस हो जाती हैं काइंडली प्लीज़ मैं दोबारा कॉल कर लिया करें क्योंकि मैं मोस्टली बिजी होता हूँ। तो वरना अपने नाम और अपना शहर के साथ टेक्स्ट मैसेज कर दिया करें, सो आई कैन कॉल यू बैक। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो चलें दो तीन प्रैक्टिस शॉट्स दोबारा खेलते हैं इसके ऊपर।